हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल. तो विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा एंड यू एंड योर फैमिली एज वेल. कि आपके लिए दशहरा जो है, आपकी जितनी भी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाए, या जो भी बुराइयां हैं आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो जाए और नई ज़िंदगी की शुरुआत करिए आप भी. और उम्मीद करती हूँ कि ये जो फेस्टिव सीज़न है, हर दिन आपके लिए नई खुशियाँ आपके लिए और आपके परिवार के लिए लेकर आएँ. तो विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा टू यू एज वेल एज योर फैमिली. तो चलिए, हम कर रहे हैं शिमला स्टेट. मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको डिस्ट्रिक्ट्स पसंद आ रहे हैं. अगर डिस्ट्रिक्ट्स पसंद आ रहे होते तो आप जरूर शेयर भी करते और वीडियोस को देखते भी. मे बी आप भी फेस्टिव सीजन में बिजी हैं शायद. तो प्लीज़ शिमला डिस्ट्रिक्ट का हम आज करेंगे जो हमारा रह गया है. अगर आप चाहते हो कि फास्टली करवाना है तो फास्टली मुझे प्लीज़ रिकमेंड कर दीजिए कि शिमला डिस्ट्रिक्ट को फास्टली चलना है कि जैसा करवाया जा रहा है वो क्लियर. तो आज हम करेंगे बाकी के इवेंट्स, जो इवेंट्स हो चुके हैं. जैसे हमने 1900 तक किया था, 1920 तक किया था. आज हम करेंगे, आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं आपके साथ इसकी ज्योग्राफी, इसकी इकोनॉमी को शेयर कर सकूँ. हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एंड ऑफ द हिमाचल शिमला पहुंच चुके हैं, या शिमला का मैक्सिमम कवर कर लिया है हमने. अब हम इसके जो हैं बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसके ज्योग्राफी का सेशन करेंगे. पर पहले हमने ये हिस्ट्री कर ली है, फिर उसके बाद आपका एक सेशन, फिर MCQs, सॉरी वन लाइनर्स, फिर मंडे ट्यूसडे तक आपका वन लाइनर्स डील हो जाएगा. कोशिश है मेरी कि आज और कल मैं आपका हिमाचल का ये शिमला डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाए. तो अगर कल आज आपकी ये क्लास हो जाएगी तो फिर हम करेंगे आपकी शिमला की ज्योग्राफी एज वेल एज जो भी कस्टम्स वगैरह. कोशिश पूरा करूँगी और मंडे और ट्यूसडे को इनके वन लाइनर्स हो जाएंगे, फिर हम नए डिस्ट्रिक्ट को पकड़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ये है आपका, देखिए, दिस इज द पार्ट्स. ये आपका पीटर हॉफ है, ये कैनेडी हाउस, ये आपका जो है, ये आपका म्यूनसिपल है, बार्नीज कोर्ट, दिस इज़ द आपका कमला रीडिंग. ठीक है, तो ये सारे हॉस्पिटल है ये आपका. ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपका जो आपकी क्या थी 19, ये हमने कर लिया था रिपन हॉस्पिटल. तो ये जो आपका पीछे दिख रहा था ना, ये वाला, दिस इज रिपन हॉस्पिटल, राइट. तो आपका ये राइट. तो इसके बाद हमने 1920 तक कर लिया था, छाबा तक कर लिया था. किस किस को ये लर्न हो चुका है, तो अब देखिए, गायत्री थिएटर, ठीक है. देन इसके बाद ओल्ड बस स्टैंड, ये आपका जो है, ये बड़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, कैनेडी, ये छाबा प्रोजेक्ट है आपका, जो है स्नोडन हॉस्पिटल है. तो ये सब करेंगे हम, रेलवे स्टेशन हैं ये हमारे. तो चलिए शुरू करते हैं, आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं 1920 से 1940 तक, यानी आपके 20 ईयर्स के इवेंट्स कर रहे हैं 1920 से 1940 तक. तो इसमें सबसे पहली चीज़, इनमें जो आपके इवेंट्स हुए थे वो कौन से थे. ठीक है, तो इसमें आपका जो इवेंट हुआ था 1920 से 40 तक, ये था कि महात्मा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी शिमला कब आए थे. तो महात्मा गांधी शिमला 1921 में आए थे, अपनी वाइफ के साथ आए थे, और कहाँ रुके थे, शांति कुटीर में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, वैसे महात्मा गांधी शिमला कितनी बार आए हैं, 10 टाइम्स. कब तक आए हैं, 21 से लेकर 46 तक. ये 10 बार शिमला आए हैं. हर बार जो है, कई बार 2 बार आए हैं, कई कुछ. अगर आपको नहीं होगा तो एक मैंने लिखा, एक लेक्चर है हिमाचल जीके में ही है प्लेलिस्ट में, कि दैट इज़ द टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पे जो है आपके महात्मा गांधी आए थे. दिस इज़ द कंप्लीट सेशन, तो आप भी ये देख लेना. तो 1921 में जो है शिमला में ये आए थे, और शिमला में किसके साथ आए थे, अपनी वाइफ के साथ आए थे. और जो इनके साथ, ये भी क्वेश्चन आता है इनके साथ, जब ये 1921 में आए तो इनके साथ कौन कौन आया था. लाला लाजपत राय आए थे, मदन मोहन मालवीय आए थे, जिनको महामना कहा जाता है. ये आए थे 11 मई 1921 को. तो याद रखना, महात्मा गांधी कब आए थे, 11 मई 1921 में, किसके साथ, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, और आपका कस्तूरबा गांधी के साथ. ये थे इनके साथ. ठीक है, महात्मा गांधी शिमला अब 1931 में ये द्वारा आए थे. 1931 में भी महात्मा गांधी आए थे, और लॉर्ड रीडिंग ने 1925 में काउंसिल ऑफ चैम्बर,
देखिए काउंसिल ऑफ चैम्बर किसने बनाया था, 1925 में बना था, और एडवर्ड स्कूल जो शिमला का एडवर्ड स्कूल है वो भी कब बना था, 1925। तो 1920, देखिए अगर हम थोड़ा सा पीछे का करें तो हमने पढ़ा था 1900 से 1920 तक, ये पढ़े थे ना इवेंट्स, जिसमें से 1913 में छाबा, ठीक है, 1913 में छाबा प्रोजेक्ट बना था, 1904 में गॉटन कैसल था, देन उसके बाद 1903 में आपका क्या बना था, 1903 में हमारी कालका शिमला रेलवे लाइन हुई थी, 1914 में हमारी मैकमोन लाइन हुई थी। तो ये सब हमने पढ़ा था, अगर आप पीछे एक बार रिवाइज कर लें ताकि मैं आपको थोड़ा आगे का कर लें। देखिए एक आया था शिमला बस स्टैंड बना था 1907 में, छाबा प्रोजेक्ट बना था 14 में, कमला नेहरू हॉस्पिटल बना था, गॉटन कैसल को सिविल सेक्रेटरिएट बनाया गया, मैकमोहन लाइन और सैंड बीट कॉलेज भी आपका कब बना था, 1904 में। तो ये जो है ये 20 है, तो आपको जब भी 1920 का इवेंट याद आए तो सबसे पहला इवेंट 21 में कौन आए थे, महात्मा गांधी कहाँ रुके थे, शांति कुटीर में रुके थे, किसके साथ आए थे, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय आए थे, फर्स्ट केम टू शिमला, और उसके बाद द्वारा कब आए थे, दूसरा राउंड कब लगा था, 1931 में, ठीक है। 10 बार वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा गांधी शिमला कितनी बार आए थे, तो महात्मा गांधी शिमला जो है 10 बार आए थे, जिसमें से वो कब, 1921 से 46 आए थे, ठीक है, 1946 तक आए थे। अगर इसमें एक और चीज़ का क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी डकशाय भी गए थे, जहाँ पे उन्होंने लोगों को जेल में जाकर जो है संबोधित किया था, और जब महात्मा गांधी 1921 में आए तो इन्होंने कहाँ पे स्पीच दी थी, ईदगाह हिल्स में, कहाँ पे दी थी, ईदगाह हिल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, और 1925 में क्या क्या इवेंट्स हुए, जो शिमला का एडवर्ड स्कूल है वो भी बना, और काउंसिल ऑफ चैम्बर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि काउंसिल ऑफ चैम्बर किसने बनाया था, लॉर्ड रीडिंग ने बनाया था, कब बनाया था, 1925 में, महात्मा गांधी शिमला दूसरी बार कब आए थे, 1931 में। ये सारे क्वेश्चंस इससे इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट आता है 1940 से 50 तक, 40 से 50 तक के बीच का इवेंट, 40 से 50, सबसे पहले वेवल कॉन्फ्रेंस, वेवल कॉन्फ्रेंस जो थी वो वेवल, लॉर्ड वेवल के टाइम पे हुई थी, उसको हम शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, कहाँ पे हुई थी, 1945 में, कब हुई थी। देखिए शिमला समझौता और शिमला कॉन्फ्रेंस अलग है, शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल प्लान को डिस्कस किया गया था अंडर लॉर्ड वेवल 1945 में, और शिमला समझौता हुआ था 1972 में, तो 1940 में ये आ गया। कैबिनेट मिशन प्लान, देखिए वेवल्स के बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान है आपका 19, जिसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो 1946 में कैबिनेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, 1946 में शिमला में। तो ये सारे पॉलिटी का है, तो एक तो आपको वेवल प्लान याद करना है, वेवल प्लान्स कहाँ पे होता है, तो ये हुआ था 1940, कहाँ पे हुआ था भाई, शिमला में होता। कैबिनेट मिशन प्लान की मीटिंग कहाँ हुई थी, वो भी शिमला में हुई थी, कब हुई थी, 1946। दीज टू क्वेश्चन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिमला वॉज द हेड क्वार्टर बर्मीज गवर्नमेंट ऑफ बर्मा फ्रॉम 1942 से 1945 तक, 1942 से 1945 तक शिमला जो है वो बर्मा का हेडक्वार्टर भी रहा है, जब कब, 1942 से 45 तक, यानी 1942 से 1945 तक शिमला जो है किस आपकी बॉर्डर कंट्री का पार्ट रहा है, दैट इज बर्मा का, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट पीटर हॉफ, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा नथुराम गोडसे का केस, क्योंकि 1948 में उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, 3 गोलियां मारी थी, तो जब महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी तो उस टाइम पे शिमला जो था, ठीक है, ये केस कहाँ पे चला था, पीटर हॉफ में चला था, और पीटर हॉफ में किसके अंडर चल रहा था, पंजाब गवर्नमेंट के, पंजाब हाई कोर्ट था। पीटर हॉफ में जब नथुराम गोडसे का केस चला था तो वो किस हाई कौन से हाई कोर्ट डील कर रही थी, पंजाब हाई कोर्ट। शिमला जो था आपका हेडक्वार्टर किसका रहा है, बर्मीज गवर्नमेंट का भी, बर्मा का भी रहा है, कब से कब तक, तो 3 क्वेश्चंस कि शिमला किसका हेडक्वार्टर रहा है, बर्मा गवर्नमेंट का, कब से कब तक, 1942 से 1945 तक। फिर बात करते हैं कि जब नथुराम गोडसे का केस चला वो कहाँ पे चला था, पीटर हॉफ में चला था, जहाँ सबसे पहले लॉर्ड एल्गिन रहे थे 1863 में,
फिर लैटिन रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो किसके अंडर था, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर, तो ये चीज़ क्लियर है। पीटर हॉफ वॉज द गवर्नर हाउस, पीटर हॉफ जो था ये गवर्नर हाउस भी रह चुका है, राज्यपाल का घर भी रह चुका है, और इस पीटर हॉफ में आग कब लगी थी, 1981, ये क्वेश्चन भी आता है कि पीटर हॉफ में आग कब लगी थी 1981 में, ये क्या है, ये है राज्यपाल का हाउस, ये क्या था, राज्यपाल का हाउस। देखिए पीटर हॉफ में लॉर्ड एल्गिन भी थे, पीटर हॉफ में नथुराम का गेट गोडसे का केस कहाँ चला था, पीटर हॉफ में चला था, पीटर हॉफ में आग कब लगी थी 1981 में लगी थी, वो क्या है, एक हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विक्ट्री टनल, ठीक है। जो विक्ट्री टनल है ये किसके बेसिस पे बनाई थी, जब भारत ने सेकेंड वर्ल्ड मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी, ठीक है, उसकी जीत मनाने की खुशी में ये क्या किया गया था, एक विक्ट्री टनल जो है शिमला में बनाई गई, ताकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जीत को मना, ब्रिटिशर्स जो है वो जो है क्या कहते हैं आपकी खुशियां मना सकें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो आंसर इज विक्ट्री टनल। कब बनी थी, 19, देखिए 1945 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1945 में वेवल्स प्लान भी बना, ठीक है। 1945 में, क्योंकि जब आपका क्या ख़त्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी सेकेंड, तो उस टाइम पे विक्ट्री टनल बनी, किसकी याद में आपकी, किसके उस पर बनाई गई थी विक्ट्री टनल, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जीत पे कौन सी टनल बनाई गई, ढली या विक्ट्री, तो आंसर इज विक्ट्री। ढली किसने बनाई थी, मेजर ब्रिग्स ने बनाई थी, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद 1946 में क्या इवेंट हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान आया। नथुराम गोडसे का केस कहाँ पे चला था, पीटर हॉफ में चला था, और पीटर हॉफ किसका गवर्नर हाउस है, 1981, विक्ट्री टनल 1945, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वाइस रीगल लॉज, वाइस रीगल लॉज जो है ये राष्ट्रपति, देखिए वाइस रीगल लॉज कब बन के तैयार हुआ था, 1888 में, इससे पहले ये क्या था, ऑब्जर्वेटरी हिल्स, जिसको किसने बनाया था, वायलू ने बनाया था, ठीक है। 1880 के बाद ये राष्ट्रपति निवास रहा, वाइस रीगल लॉज को राष्ट्रपति निवास कब बनाया गया, 1947 में, जब यहाँ पे राष्ट्रपति रहते थे। फिर उसके बाद 1965 में उसको IIES, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस कर दिया गया, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तो देखिए तीन चार चीज़ें, सबसे पहला क्वेश्चन कि वेवल प्लान डिस्कस कहाँ पे हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस, मींस व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस, दैट इज़ वेवल्स प्लान, कब हुआ था, 1945 में हुआ था। बर्मीज़ का हेडक्वार्टर कौन था, शिमला था, कब से कब तक था, 1942 से 45 तक। ढली सॉरी विक्टोरिया टनल यानी विक्ट्री टनल जो थी वो कब बनी थी आपकी, 1945 में बनी थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो कहाँ पे हुआ था, शिमला में हुआ था, कब हुआ था, 1946 में हुआ था, ये चीज़ें याद रखना। देन उसके बाद वाइस रीगल लॉज, वाइस रीगल लॉज को पहले ऑब्जर्वेटरी हिल्स बोला गया, जो कि 1844 में बायलू ने बनाई। फिर इसके बाद जो है वाइस रीगल लॉज किसका पार्ट रहा था, 1888 में इसको वाइस रीगल लॉज का बनाया गया, इसका एक पार्ट वाइस रीगल लॉज। फिर 1947 में इसको क्या दिया गया, जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम वाइस रीगल लॉज जो था वो एक राष्ट्रपति भवन था, और 1965 में इसको IIES एज ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस का खिताब दिया गया, जो किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड डफरिन के, ठीक है। तो ये याद रखना, और पीटर नथुराम गोडसे का केस पीटर हॉफ में चला था, पीटर हॉफ में आग कब लगी थी, 1981 में, और ये किसका हाउस था, गवर्नर हाउस किसके नाम से डेडिकेटेड था, दैट इज़ पीटर हॉफ। आई होप कि यहाँ तक याद हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसे, दीज ऑल पॉइंट्स जो भी आपने ये इवेंट किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है आपका सारी हिस्ट्री ऑफ शिमला, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ शिमला, दिस इज़ छाबा, महात्मा गांधी 1921 में आए थे, ये आपका रेवेंस हुड है, दैट इज़ योर हाई कोर्ट, ये आपका शिमला समझौता हुआ, दिस इज़ पीटर हॉफ, दिस इज़ आपका बार्नीस कोर्ट, एंड दिस इज़ योर क्या कहते हैं, सिविल सेक्रेट आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ शिमला, तो ये है आपकी कि शिमला आए थे, ठीक है, कब आए थे, 1921 में आए थे, 31 में भी आए थे, एडवर्ड स्कूल कब बना था, 1921 में, काउंसिल ऑफ चैम्बर जो कि लॉर्ड रीडिंग ने 1925 में बनाई,
वी विल प्लान कब आया था, शिमला कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मिशन कब हुआ था शिमला में 1942 से 45 तक, ये बर्मा का हेडक्वार्टर रहा है, गवर्नर हाउस पीटर हॉफ में था, 1981 में उस पर जो है आग लगी थी, विजय टनल जो है वो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जीतने की खुशी में मनाई गई। तो ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पोस्ट इवेंट्स, क्या आते हैं हमारे पोस्ट इवेंट्स। अब ये जो पोस्ट इवेंट्स है इसको देख लेते हैं, क्योंकि यही एक छोटा सा सेशन कि यही था, आई थिंक दिस इज द एंड, यस। तो ये पोस्ट इवेंट्स क्या हैं कि आपके कौन कौन से इवेंट्स, मतलब 1947 के बाद क्या क्या शिमला में हुआ। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, हमने ये बोला था, हमें ये पता है, हमने तीन चीज़ें देखी थी, लॉरेंस ने, लॉर्ड लॉरेंस ने, आपको याद है लॉर्ड लॉरेंस ने 1864 से 1947 को शिमला को समर कैपिटल बनाया था, ठीक है, और पंजाब गवर्नर का हेडक्वार्टर ये 1871 से 1947 तक रहा है, ठीक है। तो अब ये तो था आपका पंजाब हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर की बात कर रही हूँ, कैपिटल की नहीं। पंजाब की समर कैपिटल ये कब बनी, 1953 में पंजाब बिकम्स द समर कैपिटल। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो 1871 से 1947 तक, फिर इसके बाद 1947 तक तो ये हेडक्वार्टर था, उसके बाद पंजाब, क्योंकि 1947 अब ये कहाँ पर है, 1953, तो पंजाब शिमला को पंजाब की समर कैपिटल कब बनाया गया, 1953। तो एक चीज़ पे कंफ्यूज मत होना कि पंजाब शिमला का हेडक्वार्टर कब था, तो वो था 1871 से 1947 तक। अब भारत आज़ाद हो चुका है, भारत की आज़ादी के बाद पंजाब शिमला का कैपिटल कब बनी थी, या शिमला जो थी पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी, 1953। डोंट कंफ्यूज विद द हेडक्वार्टर, ठीक है। शिमला का आकाशवाणी, ठीक है, बिग FM भी बोलते हैं, और आकाशवाणी जो था वो कब स्थापित किया गया, 1955 में, ठीक है। आकाशवाणी केंद्र जो था शिमला का वो कब बना, 1955 में। शिमला समझौता, शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान, जुल्फिकार भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच, इंदिरा गांधी फ्रॉम इंडिया, जुल्फिकार भुट्टो फ्रॉम आपका किसके, पाकिस्तान। तो शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता 1972 में हुआ। देखिए ये जरूर याद रखना, 1864 से 1947 तक जो शिमला थी वो भारत की कैपिटल थी, ठीक है, क्योंकि 1911 में जो है कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, तो दिल्ली बिकम द कैपिटल, पर 1947 तक शिमला जो थी वो किसकी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी आपकी, भारत की। फिर आपने 1971 से 1871 से 1947 तक ये पंजाब का हेडक्वार्टर भी रहा है, लेकिन अब जब पंजाब आज़ाद 1953 में शिमला किसकी समर कैपिटल बनी, तो वो बनी थी पंजाब की, ठीक है। आकाशवाणी कब बनी गई, 2 साल बाद, 1955। शिमला समझौता 1972 में हुआ, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान यानी जुल्फिकार भुट्टो और इंडिया हुआ। HP स्टेट म्यूजियम 1974 में कौन सा बना, 1974 में आपका ये भी याद रखना, HRTC भी जो है वो 1974 में बना, तो शिमला बस स्टेट म्यूजियम भी आपका 1974 में बना था, ठीक है। उसके बाद स्नोडन हॉस्पिटल, जो आपका स्नोडन हॉस्पिटल है उसको जो है 1985 में क्या नाम दे दिया गया, IGMC, क्या दे दिया गया, IGMC, किसे दिया गया, स्नोडन हॉस्पिटल, ठीक है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है वो किसका नाम दिया गया, स्नोडन, 1985 में। रिपन हॉस्पिटल, रिपन हॉस्पिटल कब बना था, 1882 में, किसने बनाया था, रिपन ने बनाया था, और 1885 में डफरिन ने जो है इसको जनता को दे दिया था, ठीक है। तो उसके बाद उसको 5 सालों बाद यानी आपके सॉरी 1990 में उसको दीनदयाल, ये जो हॉस्पिटल है इसको क्या नाम दे दिया गया, दीनदयाल हॉस्पिटल। अगर ये देखे ना आपकी पिक्चर, आई थिंक दिस इज दीनदयाल हॉस्पिटल, राइट। फिर उसके बाद आपका ये था बार्नीज कोर्ट, देखिए बार्नीज कोर्ट जो था वो क्या था आपका, इट्स द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ
पंजाब गवर्नर, ठीक है, इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ गवर्नर, इसको क्या बनाया गया 1992 में। देखिए पहले क्या था, गवर्नर ऑफ जो पंजाब था वो पीटर हॉफ में रहता था। अब जो है, जो हिमाचल का गवर्नर है उसका राष्ट्र, मतलब जो उसका ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको क्या कर दिया गया, बानिस कोट। कब? हिमाचल के 1992 में। हिमाचल के 1992 में, मतलब हिमाचल प्रदेश में 1992 में बानिस कोट क्या है? बानिस कोट वॉज द गवर्नर हाउस। कब बना? 1992 में। आज गॉटन कैसल कहाँ है? वो क्या है, एक अकाउंट जनरल ऑफिस है। हाई कोर्ट दैट इज रेवेंसवुड, आपने अगर शिमला में देखा होगा तो नीचे से रेवेंसवुड ग्रीन जैसी छत दिखती है, दैट इज रेवेंसवुड, ठीक है। बाल सिंघम ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर, तो अगर हमने पढ़ा था कि विलियम हे बिकम द डिप्टी कमिश्नर और चार्ल्स एंसन जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी थे पहले, तो ये याद रखना बाल सिंघम जो है वो डिप्टी कमिश्नर, जो शिमला का डिप्टी कमिश्नर है उनका जो रेजिडेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, बाल सिंघम, ये याद रखिए। बाल सिंघम इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, यानी अब जो जो हिमाचल के डिप्टी, शिमला के जो डिप्टी कमिश्नर है वो कहाँ पे रहते हैं, बाल सिंघम में। हाई कोर्ट कहाँ पे है, रेवेंसवुड में है। ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ गवर्नर इज बानिस कोर्ट। देन उसके बाद गॉटन कैसल जो है वो क्या बन गया है, करंट अकाउंटेंट जनरल है, ऑफिस है। ओक ओवर ये है जो कि सीएम का हाउस है। सीएम का ऑफिशियल हाउस कौन सा है? ओक ओवर। जब हम छोटे शिमला से माल की तरफ जाते हैं जहाँ पे कमला रीडिंग है उसके ऊपर जो बिल्डिंग आती है दैट इज कॉल्ड ओक ओवर, जो कि सीएम का हाउस है। रोदने कैसल जो कि किसने बनाया था, रोदने ने बनाया था, वो आज ए ओ ह्यूम और बुशहर, यहाँ पे ये किसका ऑफिशियल हाउस है, ए ओ ह्यूम, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव 1883 में रखी थी और 1885 में उसका पहला हुआ था, और किसका है आपका, बुशहर, ठीक है। एचपी सेक्रेटरिएट, जो एचपी सेक्रेटरिएट है वो एलर्जी और एलर्गी और एनआरडी दोनों जगह पे स्थित है। लॉर्ड किचनर, लॉर्ड किचनर कब मरे थे, जिसने वाइल्ड फ्लावर हॉल बनाया था, वाइल्ड फ्लावर हॉल, ठीक है, दिस इज वाइल्ड फ्लावर हॉल, जो कि कहाँ पे बना था, कि कब मरे थे, जब वो ढली टनल बना रहे थे, जब वो ढली टनल बना रहे थे तो किसकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखना, लॉर्ड किचनर की। आज जो पीटर हॉफ है वो क्या है, देखिए पीटर हॉफ पहले गवर्नर हाउस भी रहा, पीटर हॉफ जो है लॉर्ड एल्गिन भी रहे, उस पर आग भी लगी। आज जो पीटर हॉफ है वो आपका जो भी एम्बेसडर्स आते हैं उनके लिए स्टेट गेस्ट हाउस है। ये क्या है, एक स्टेट गेस्ट हाउस, जिसमें जितने भी, जैसे बाहर से कोई आता है तो उसको वहाँ पे ठहराते हैं। और हिमाचल प्रदेश के साथ शिमला कब मर्ज हुआ था, 1966, दैट इज द न्यू शिमला, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं आपसे रिलेटेड हैं, दिस इज योर दिस इज द हाउस, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या पार्ट्स हैं, ये सारे लर्न होने चाहिए, तो ये पॉइंट्स आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं, हर एक पॉइंट को देख लेना, और अगर कोई डाउट लगता है तो आप प्लीज़ पूछ लेना। तो आज का सेशन मैं छोटा सा यहीं ख़त्म करती हूँ, दिस इज़ द हिंदी पार्ट। देखिए आकाशवाणी जरूर पूछा जाता है, अलायंस ग्रुप जरूर पूछा जाता है, यूएस, अगर आप मिस कर रहे हो इन सेशंस को तो प्लीज़ मिस मत कीजिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, जो हमने इवेंट्स किए हैं, ऑल द इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ डिस्ट्रिक्ट्स की डिटेल्स को कीजिए। और मैं आपसे सिर्फ इतनी सी उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ गाइस शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज को फॉलो कीजिए, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और देखते हैं कल कितने लोग जो हैं इस वीडियो को शेयर करते हैं और कितना जो है इस चैनल, मतलब इस शिमला डिस्ट्रिक्ट पे जुड़ते हैं, और बाकी सेशंस भी जो हैं आप ज्वाइन कीजिए। मैंने आपको कह दिया कि कल यानी सैटरडे को जो आपकी क्लासेस होंगी उसमें सुबह की क्लास होगी करंट अफेयर्स, फिर आपकी 3 से 4 वन लाइनर्स, 5 बजे की क्लास नहीं होगी, 6:30 से 7:30 क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस अभी नहीं लिया, और उसके बाद संडे को आपकी सिर्फ एक क्लास होगी, दैट इज़ योर
स्टैटिक जीके, प्लीज़ जिनका संडे को पेपर है ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ मुझे मेरी मेल आईडी पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ उस पेपर को ज़रूर शेयर करना, पीडीएफ देना मुझे उसकी बना कर, दैट इज़ पूजा गुप्ता, पूजा गुप्ता, ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स, 3301@gmail.com, इसको जो है आप इस पे जो है मुझे मेल करके, जो किसी की भी कोई क्वेरी है वो आप इस मुझे मेल कर सकते हैं, और प्लीज़ यहाँ पे पेपर शेयर कीजिए, या फिर टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता के नाम से जो चैनल है उस पे शेयर कीजिए, पर प्लीज़ करना जरूर, अगर आपने वो पेपर डील किया तो शायद मैं आपके साथ वही पेपर शाम को डील कर सकती हूँ। तो तब तक के लिए दीजिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, एंड विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी दशहरा एंड द हैप्पी फेस्टिव सीजन।